अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ सिंगल लेटर फोनोग्राम्स। होपफुली टुडे इट विल बी आवर लास्ट लेसन ऑफ फोनोग्राम्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द फोनोग्राम्स यू हैव टू प्रैक्टिस वर्ड फॉर्मेशन बाय यूजिंग द ब्लॉक्स, फोनोग्राम ब्लॉक्स। ओके, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू मेक न्यू वर्ड्स or to learn to read English, okay? Let's revise the previous phonograms before starting the new one. A, A, O, B, K, S, D, E, E, F, G, J, E, I, J, K, L, okay, now let's start the new phonogram. Okay, today's phonogram has three sounds. First sound is gzz. Repeat after me one more time. Gzz. Okay student, have you noticed one thing? आज बोर्ड के ऊपर ग्रीन मार्कर से कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट साउंड क्या लिखी हुई है? इट्स सी एंड एस। इट्स मीन व्हेन यू विल प्रोड्यूस अ फर्स्ट साउंड ऑफ सी एंड फर्स्ट साउंड ऑफ एस, तो फर्स्ट साउंड ऑफ जी एक्स विल बी प्रोड्यूस्ड लाइक दिस। इन द सेम वे देयर इज जी एस। व्हेन यू विल प्रोड्यूस अ फर्स्ट साउंड ऑफ जी एंड सेकंड साउंड ऑफ एस, तो सेकंड साउंड ऑफ एक्स विल बी प्रोड्यूस्ड लाइक दिस। वेरी नाइस। एंड द लास्ट वन साउंड इज okay. Now look at the examples. X-ray, exit, xylem. Okay, repeat after me one more time and listen it carefully. Okay students, our next phonogram has four sound. Y, A, I, E. Y, A, I, E. Y, yo, yo. A symbol, and it's a symbol of multiplication. I cry. E family. Y, A, I, E. Very nice. Okay, now the last one phonogram, it has only one sound. Z. It has only one sound. Zip, z, zip. Repeat after me one more time. Y, A, I, E, z. Okay students, now our phonogram has completed. You have to revise them and practice them, and you have to memorize them also. आप सबको इन सारे phonograms के sound memorized होनी चाहिए। अगर आप लोगों को साउंड मेमोराइज होंगी तो बेटा इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फोनोग्राम्स। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।